शिवराज सिंह कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुछ बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। शिवराज कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। आयोग के पास अधिकारियों को बुलाने का अधिकार रहेगा। कैबिनेट की बैठक में बड़ा मलहरा और जवरा की सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है। शिवराज कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के मंजूर होने के बाद अब किसानों के खाते में 10,000 रुपए की राशि आएगी। पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा प्रदेश के 77 लाख किसानों को 6,000 रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि 2,000 रुपए की किश्त के रूप में किसानों के खाते में डालेगी। जो महत्वपूर्ण कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव आया, काज कृषक कल्याण योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसान के खाते में डाली थी, उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4,000 रुपया मिलाया और 10,000 रुपया आप किसान के खाते में आया। छोटे से छोटा किसान जिस पे आधा बीघा भी है, 1 बीघा भी है, 5 बीघा है, 10 बीघा है, ये सब इसमें तिरोहित किए गए, सम्मिलित किए गए हैं। 77 लाख किसान थे, बढ़ के 80 लाख हुए, भले भी 85 लाख हो या जितने भी हो जाए, सभी को ये 10,000 रुपया साल का लाभ मिलेगा। यहाँ मैं ये कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 5,000 करोड़ हर साल मिल रहा है और राज्य सरकार का लगभग 3,000 करोड़ हो गया, ऐसे 8,000 करोड़ रुपया प्रति साल किसानों के खाते में जाएगा। मतलब 5 साल के अंदर 8,540,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जाएगा। अभी हम 8,000 करोड़ फसल बीमा योजना के अलग अलग रूप से बांट चुके हैं, 0% ब्याज का पैसा दे चुके हैं, लगातार किसानों को कर रहे हैं। वो सरकार जो सिर्फ किसान को धोखा दे रही थी कि 2 लाख माफ़ करेंगे और एक भी किसान का 2 लाख माफ़ नहीं किया, जब बात करो तब खजाना खाली है। अब देखिए आप किसानों पर कैसे लक्ष्मी जी की वर्षा हो रही है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो रही है। कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित यात्री बस सेवाओं में एकमुश्त टैक्स भुगतान की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का टैक्स भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है। जबलपुर में धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, ऐसे 15 महीनों के लंबित वेतन को भुगतान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रदेश में संचालित यात्री बस वाहनों के देय मोटर कर यान में छूट प्रदान किए जाने वाले यानों को लंबित भुगतान एवं यानों के एकमुश्त भुगतान की अवधि 31/3/20 में वृद्धि करते हुए 31/3/21 और छूट देने का भी आज तय किया है। ये 2020 के माह के सितंबर के 50% की छूट और टैक्स पूर्णतः माफ 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2020 तक की अवधि का पूर्णतः माफ किए जाने का भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। हम चली आ रही थी, हमने देखा कि 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने हमारे MPRTC के जो परिवहन निगम के कर्मचारी थे, इनको 15 महीने में तनख्वाह नहीं दी। आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने तय किया है कि वो 15 महीने से जो लंबित वेतन भुगतान इनका पड़ा हुआ है, इन सबको अब भुगतान करने का प्रस्ताव को आज कैबिनेट में जो आया था उसे अनुमोदित किया गया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development,
with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।